सरसों का साग एक सीजनल सब्जी है जो कि सिर्फ हम ठंडी में ही खा पाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनने वाली सरसों के साग की रेसिपी। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 गट्ठे सरसों के साग लिए थे और ये वेट में लगभग 1/2 kg या उससे कुछ ज़्यादा या कम होगा और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके लिया है। अच्छा, मेरे सरसों का साग जो है ना, उसके जो डंठल थी वो बहुत सॉफ्ट थी तो मैंने इसलिए नहीं तोड़ा उन्हें, लेकिन अगर आपके पास थोड़े से मोटे मोटे हैं ना तो आप उन्हें डंठल से अलग कर लें, सिर्फ आप पत्तियाँ यूज़ करें। और साथ ही मैंने लिया है पालक और मेथी। अगर आपके पास शलगम का साग, मूली का साग और सबसे मेन चीज बथुआ हो ना तो आप उसका यूज़ ज़रूर करें। मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने नहीं लिया उसे। और अब हम साग को अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। सबसे पहले हमें साग को अच्छे से वॉश करके लेना है। 3 से 4 बार आप अच्छे से वॉश कर लें क्योंकि साग में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आप साग को अच्छे से वॉश करें और आप ये ध्यान रखें कि साग को जब वॉश करें ना तो आप ऐसे बर्तन में वॉश करें जिसमें नीचे हल्का सा छेद छेद हो, जैसे छलनी वाला होता है ना कोई बर्तन, वैसे में। और साग को हमें रफली चॉप करके ही लेना है क्योंकि अभी हम साग को कर लेंगे बॉयल। तो यहाँ पर मैंने पूरा सरसों का साग, मेथी और पालक सब कुछ कट कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ देखिए बढ़िया से ये कट होकर के तैयार है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ देखिए गैस ऑन करके हमने लिया है कुकर और कुकर में हम डाल देंगे हमारा ये सारा साग जो हमने कट करके रखा था। तो यहाँ पर मैं साग पूरा अपना डाल देती हूँ और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी। पानी मैं पहले ही बता रही हूँ आपको कि पानी बहुत कम डालिएगा, अदरवाइज़ जब आप साग बनाने लगेंगे ना तो इतने छींटे आएंगे कि आपका पूरा काउंटर टॉप, आपका फेस, हाथ, सब कुछ बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और अब हमें इसे हाई फ्लेम पर 2 विसल आने तक पकाना था। यहाँ पर विसल आ गई, मैंने कुकर को अच्छे से ठंडा भी कर लिया। तो यहाँ देखिए साग हमारा अच्छे से बिल्कुल बॉयल हो चुका है। और देखिए मैंने पानी कितना कम डाला था ना, बस जितने में हमारा साग बन जाए उतना ही पानी हमें इसमें यूज़ करना है। अब हमें इसे घोटना है। तो आप इसे या तो फिर इस तरह से पोटैटो मैशर से कर सकते हैं या फिर आप पूरी तरह से इसे ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में आप पीस सकते हैं, या आपके पास अगर लकड़ी वाली मथानी हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, या अगर आपको बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे में बनाना है तो आप इसे पूरी तरह से ठंडा कर लें फिर आप इसे सिलबट्टे पर पीस लें। मैं यहाँ पर ये हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ और ये हैंड ब्लेंडर मुझे बहुत सही लगता है यार, मतलब बहुत मेरा काम इजी कर देता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि किचन में हमारे पास हमेशा होनी चाहिए क्योंकि उनसे हमारा काम जो है वो बहुत इजी हो जाता है। आप देख रहे हैं ये सेकंड्स के अंदर ही बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर देगा। साथ ही हमें ये नहीं वेट करना होता है कि ये ठंडा हो जाए तो मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीसूं या फिर हमें मथानी से बहुत देर तक उसे घोटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से कुछ चीज़ें हैं लाइक चॉपर हो गया, ये ब्लेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने किचन में ज़रूर रखें। ये आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगी और हमें बिल्कुल अच्छे से, मतलब बिल्कुल जैसा पेस्ट होता है ना बिल्कुल बारीक वाला, वैसा हमें इसे पीस करके ले लेना है। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही पीस करके लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारा बिल्कुल इसका पेस्ट बन गया है। मैं आपको देखिए स्पून से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल पतला ऐसा ही हमें करना था। तो यहाँ पर देखिए साग हमारा अच्छे से बॉयल होकर के तैयार है, ये पीस भी गया है। तो अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ देखिए गैस ऑन करके मैंने चढ़ा दी है 1 कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे घी। तो देखिए जो ट्रेडिशनली बनता है उसमें घी या फिर वाइट बटर का यूज़ होता है, लेकिन अगर आप घी या वाइट बटर इग्नोर करना चाहते हैं, नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप कोई भी ऑयल जो आप खाने में अपने यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही बेसिक से मसाले। एक्चुअली सरसों के साग में कोई भी मसाला यूज़ नहीं होता, बहुत नॉर्मल मसाले इसमें यूज़ होते हैं। तो तड़के में यहाँ मैं सिर्फ 2 लाल मिर्च डालूँगी साबुत, और इसी के साथ हींग डालूँगी। हींग पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपको सरसों के साग में इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैंने जो सबसे ज़्यादा ऐड किया है वो है लहसुन। मैंने 1 बड़ा चम्मच भर करके लहसुन डाला है, बिल्कुल बारीक चॉप। और हमें लहसुन को अच्छे से लाल होने तक पकाना है, तो बहुत जल्दी ये लाल हो जाता है, मुश्किल से आधा मिनट लगता है, 30 सेकेंड में ही हमारे लहसुन जो है वो पक करके तैयार हो जाते हैं। और अब हमें प्याज को अच्छे से पका लेना है, प्याज को हमें जलाना नहीं है, बस लाल होने तक हमें पका करके लेना है। तो ये भी 1 से 2 मिनट में बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। तो आप प्याज को ऐसे ही चलाते हुए पकाएं ताकि प्याज आपका जो है वो जले नहीं। और अगर आप प्याज नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, जैसा हमें प्याज का कलर चाहिए था बिल्कुल वैसा हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई भी मसाला यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। बस धनिया पाउडर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच और 4 छोटे चम्मच ऐड किया है। अब मसालों को भी हमें बस 10 सेकंड के लिए भून लेना था लो फ्लेम पे, और तुरंत ही हमें ऐड करने देना था ये हमारा पालक वाला प्योरे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा ऐड कर दिया, और क्योंकि मैंने पानी बहुत कम डाला था इसलिए देखिए ये उछल नहीं रहा है, वरना अभी ये उछल उछल करके मेरा पूरा किचन गंदा कर देता, साथ ही मेरे कपड़े और मेरे फेस को भी। तो बस अब हमें इसे ऐसे ही पका लेना है। तो यहाँ पर मैंने बस 2 हरी मिर्च डाली है बीच में से कट लगा करके। हम इसे ऐसे खुले में 5 मिनट तक पकाएंगे, और यहाँ पर 5 मिनट हुआ है तो देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है ना, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है इसकी वो गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो यहाँ पर मैं नमक डालती हूँ। और साथ ही अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करेंगे, वो है मक्के का आटा। हाँ जी, मक्के का आटा इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना। मक्के का आटा क्या करेगा कि इसमें एक अच्छी कंसिस्टेंसी लेकर के आएगा, और क्या करेगा ना कि साग और पानी को अलग अलग नहीं होने देगा, ये एक बाइंडिंग लेकर के आएगा आपके साग में। और साथ ही मक्के का जो फ्लेवर आता है ना सरसों के साग में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अब हम इसे वापस से 5 मिनट तक पका लेंगे, और 5 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये पक कर तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। बस अब इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। तो यहाँ हमारा सरसों का साग बनकर तैयार है, चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी सरसों का साग बनकर के तैयार है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। बिल्कुल ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो हमने मक्के का आटा डाला था उसके कारण। इसे मैंने सर्व किया है मक्के की रोटी और प्याज के साथ, एक्चुअली मुक्के मारे हुए प्याज के साथ, जैसा कि पिंड में खाया जाता है। अगर आपको मक्के के रोटी की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। और जो मैंने ऊपर से तड़का डाला है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो आप भी इस तरह से सरसों के साग की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नए अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ, हमें ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमें आपके लिए अगली रेसिपी कौन सी ले आनी है। और साथ में प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।